वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे थे। शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा। देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत में वैक्सीन की कमी ते केंद्र सरकार वालों बाहरले देशों में वैक्सीन वेचे जाने अते लोकां दीआं जानां नूं खतरे च पाउण नूं संगीन अपराध दस्सिया। सिसोदिया ने कहा कि 93 देशों नूं वेची वैक्सीन विचों 60% देश COVID-19 के कंट्रोल हेठ सी अते वायरस करके लोकां नूं जान दा खतरा नहीं सी। हुण तक कुल 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज बाहरले देशों में बेची जा चुकी है। अपने देश की बनी हुई दो वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहाँ खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो, या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो, या मर ना गया हो। जब ये स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। 93 देशों की लिस्ट है जिनको भारत सरकार ने पिछले 3 महीने में वैक्सीन बेची है। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना के हालत बिल्कुल खराब नहीं है। 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। मार्च से लेके और अब तक हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हुई। उन्होंने दोष लाया कि यह मोदी सरकार वालों सिर्फ आपकी बाहरी दिख चमकाउण लई कीता गया, दूजी लहर के चलदे वड्डी गिनती विच नौजवान आपकी जान गवा चुके ने, अते जेकर वैक्सीन वेचे जाण तों पहलां आपके देश बारे सोचा गया हुंदा कई जाना बच सकती हैं सन। हम इस वैक्सीन को 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, अपने लोगों को मरने की कीमत पर विदेश के 4 देशों की तारीफ सुनना केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, मैं मानता हूँ। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काट कर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। दिल्ली में जब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, यूथ के लिए वैक्सीन लगाने की बारी आई तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन अभी तक यूथ के लिए दी गई है। दिल्ली में जब से हमने ये 18 से 24 साल का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, 18 से 44 साल के लिए अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग 24 घंटे कंप्यूटर पर बैठते हैं, अपने मोबाइल पर बैठते हैं कि किसी तरह से हमें और हमारे परिवार को ये सुरक्षा चक्र मिल जाए। ये शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि हमने अपने देश के लोगों की चिंता किए बिना अपनी इमेज चमकाने के लिए केवल और केवल विदेशों को वैक्सीन दी है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अब जो वैक्सीन बन रही है पहले अपने देश के लोगों को दीजिए।